माशाल्लाह से तकरीबन 20 गाय शाम के माशाल्लाह से इतने होते हैं कि हमको और निकल जाना। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा आपने कहा था कि जानवर रखें और कट्टे वगैरह रखें, लेकिन आवाम ने मजाक बनाया था। बाद में कदर आती है खान साहब की, लेकिन उस बारे में आप क्या एक टाइम का 20 किलो से ज़्यादा का यानी दो टाइम का मेहनत करने वाला बंदा है ना, उसको पाकिस्तान जैसा मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम मौजूद हैं अलीपुर इस्लामाबाद में मलिक मुज़ाहिर साहब के फार्म हाउस पे। गाय और भैंसों का मिक्स फार्म हाउस बनाया है, इनसे पूछते हैं इन्होंने कैसे शुरुआत की और ये कैसे माशाल्लाह अपना कारोबार इतना बढ़ाया है और क्या क्या करते हैं यहाँ पे। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब जी, वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब बताइए कि आपने कैसे ये कारोबार शुरू किया और कैसे इसमें दिलचस्पी आपकी आई और काम नौकरी आपने नहीं की, आपने कारोबार किया है। देखिए, बाकी तो अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने बहुत दिया हुआ है। इस काम में जो है ना शौक़ भी है। अच्छा, आपका अपना शौक है। शौक की वजह से जुटा रहे। सही, शुरू में तो थोड़ी ही पैसे थी, घर पे रखी हुई थी 3-4 पैसे जी। तो बस वो करते करते काम ज़रा घाटा हो गया। अच्छा, तो फिर बाहर ही हमने डेरा बनाया अपना। आहिस्ता आहिस्ता करते यहाँ से जो बाहर आए हैं तो तकरीबन 4-5 की पैसे थी गाय थी ना शुरू में, 4-5 तो उस टाइम क्या नाम है कि काम भी खुद करते थे। अच्छा, अब तो माशाल्लाह मुलाजम, अब भी तो अल्लाह का शुक्र है ना, कभी 3-4 मुलाजम भी खुद भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि बेशक आप 5 भी मुलाजम रख लेना, जब तक आप खुद नहीं काम करते ना अपने काम तब तक ये काम नहीं चल सकता। सही, ये शुक्र अल्लाह का कि हमने अभी तकरीबन कितनी भैंसें हैं आपके पास और गाय अल्लाह से तकरीबन 20 गाय। ये तो खास नस्ल है या? हाँ, ये है कि लेते हैं कुछ तो पंजाब से लेके आते हैं और कुछ यहीं से लेते हैं जो लेके आते हैं भोपाल। अच्छा, तो उनमें जो खास भैंसे और खास गाय होती है वो हम खरीदते हैं। खास जो नस्ल होती है या? जी हाँ, नस्ल के हिसाब से होती है, दूध के लिए तो अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल कम अज कम 20 किलो से ज़्यादा। अच्छा, एक टाइम का 20 किलो से ज़्यादा गाय यानी दो टाइम का ज़्यादा। बड़ी जो गाय है ना वो हमारे इस माहौल में नहीं चलती, संभाल करने टेम्परेचर है ना ज़्यादा, बड़ी गाय कामयाब नहीं होती, बीमार हो जाती है, बीमार हो जाती है। इसमें यह है कि दरमियाने कद गए हो। अच्छा, नस्ल भी जो है ना ऐसी होती है जो हमारा टेम्परेचर माहौल है वो बर्दाश्त करते हैं, वही कामयाब हो जाती है। अच्छा, अब तो माशाल्लाह का कारोबार बढ़ गया, क्या अब आप सेल भी कर रहे हैं और दूध गा रहे हैं? देखिए, हमारा काम तो ये है कि ज़्यादा दूध का काम है ज़्यादा, क्योंकि हमने जो गाय वैसे रखी हुई है कोशिश यही होती है कि यहीं पे इनको तैयार करें, उनके लिए दोबारा जो है ना हमें जो उसका फ़ायदा यही होता है कि नई नई देनी पड़ती गाय वैसे। बस ज़्यादातर आपका दूध का काम है, दूध का अगर इस्लामाबाद के अंदर ही कोई बंदा आपको दूध का ऑर्डर करता है या कुछ तो आप उधर दे सकते हैं, उसका माल पहुँचा सकते हैं? देखें, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो ऑर्डर नहीं कर सकते, देखें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ये है ना कि सुबह जो है ना हमारे कस्टमर आ जाते हैं दूध के, शाम के माशाल्लाह से इतने होते हैं कि हमको और नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे करीबी आपका बहुत ज़्यादा ये है कि अल्लाह का शुक्र है, वक्फियत भी है, जान पहचान भी है, और काफ़ी टाइम से जो है ना हमारा ये सबसे अच्छा हो गया आपको ये काम, ये तकरीबन 20-25 साल तो हो गए। अच्छा माशाल्लाह, 20-25 और ये जानवर आप इनकी कोई बीमारी के लिए कोई वैक्सीनेशन वगैरह ये भी करते हैं? वैक्सीन जो है ना वो तो करते हैं हम हर साल करते हैं। हाँ, वो ज़रूरी है, जो वैक्सीन है ना जो होती है बड़ी बीमारियों की, मोकर वगैरह की तरह की जो मोदी बीमारी है जी, जी जी उनकी तो मतलब हर साल करते हैं या 8 माह या 10 माह के बाद करते हैं। अच्छा, बाकी जो नॉर्मल बीमारियों का इलाज वगैरह हम खुद कर लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, और सफाई देखें ये काम ये है ना कि जब तक इसमें सफाई नहीं है ना काम नहीं है। अच्छा, और मेरी आदत भी यही है कि जब तक सफाई ना हो मैं काम नहीं करता हूँ, मैं काम करने देता हूँ, मैं करता हूँ सफाई बहुत अच्छी है बाद में काम। अच्छा, ये काम सफाई वाला है, बाकी भी तो माशाल्लाह से हमारे भाइयों ने फार्म बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन उनका ये सेटअप हमारे सेटअप में फर्क बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, क्योंकि वो तो एकदम से सारे बाहर बांध देते हैं या अंदर बांध देते हैं, उनमें बड़ी बात ये है कि सफाई नहीं है।
भैंसों वगैरह को भी नहलाते हैं, गाय को नहलाते हैं, गाय वगैरह को तो कम नहलाते हैं, भैंसों को नहलाते हैं तकरीबन ये है कि दूसरे तीसरे दिन जो है ना नहलाते हैं। बाकी पानी का इशू है इतना तो खैर नहीं नहलाते हैं जी। ये है कि अजरत वजरत जो है ना तीसरे दिन दूसरे दिन जो है ना। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा आपने कहा था कि जानवर रखें और कट्टे वगैरह रखें, लेकिन आवाम ने मजाक बनाया जी का, बाद में कदर आती है खान साहब की, लेकिन उस बारे में अब खान साहब की जितनी बातें हैं ना जी, मैं कहता हूँ सब सच्ची हैं जी और हकीकत बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी बेवकूफ़ लोग भी हैं जो उनको समझ नहीं सकते जी, बिल्कुल ऐसे उनकी बातों पर अमल नहीं सकते। अब वही ना, अब आप कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह से, उनके फ़ैन हैं जी, उनके साथ हैं बेशक जी, आपका बहने भी मैंने देखा है उनको जी जी, वो तो इंशाल्लाह से उनके साथ हमारा फुल जो है ना दावन है जी और उनके साथ हैं। अब कितने ही पैसे लगा के लोग बैठ जाते हैं, कामयाब नहीं होते, यहाँ पे नौकरी के चक्कर में खुआर होते हैं, ये कारोबार फिर से अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ मेहनत करने वाला बंदा है ना उसको पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, जितनी मेहनत या मजदूरी जो है ना पाकिस्तान में है, मैं कहता हूँ इतने गैर मुल्क में किसी में नहीं। बिल्कुल, वो इसलिए कि हमारे मुल्क में देखें बाहर ममालिक में से जितने लोग आए हैं किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी काम करने में उसमें उसको रोक रुकावट नहीं है, आराम से आप बाहर जाएंगे। आपको तो पहली बात ये है कि आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी जाने की, वहाँ पे बैठने की, काम करने लेने सर्टिफिकेट लेने, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जी। बड़ी बात ये तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, किसी ममालिक से कोई भी आ जाता है कोई बंदा उसको पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ये तो आप जानते हो आज़ादी है, आज़ादी है। और दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ कि जो बंदा मेहनती है ना जी, वो इधर मेहनत करे, बाहर जाने से जहाँ पे वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ज़्यादा पैसा, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मेरे को गाय और भैंसों वाले के बारे में बताएंगे ज़रा आप। अच्छा, हमारे पास भैंस पड़ी है ये नीली रावी की। अच्छा, ये नीली रावी की नस्ल है, और ये एक भैंस बैठी हुई है जी, ये भी उसी इलाके से आई है। अच्छा अच्छा, ये तो माशाल्लाह से 20 किलो दूध जो है ना अभी बिका रही है, और 20 किलो दूध इसके पास है। अच्छा, माशाल्लाह के हिसाब से जो है ना ये दोनों भैंसें माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अच्छा, ये नस्ल के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से ये माशाल्लाह। बाकी भी सारे आपके भाई इनके बच्चे ही हैं, ये जो छोटे जितने भी हैं, कोशिश होती है कि बच्चे इनके जो है ना कर लेते हैं, संभालते हैं जी। तो भैंस का जो बच्चा है उसको तो ज़्यादा टाइम लेता है, वो गाय का बच्चा ये है कि जल्दी जवान हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वो ये है कि गाय के बच्चों में जो गाय में जो है उसमें ज़्यादा फायदा है। अच्छा, गाय में ज़्यादा। और ये जो सारी गायें हैं पीछे, ये भी सारी आपकी ही हैं? जी, गाय माशाल्लाह से अपनी है। अच्छा अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? ये इनमें मुख्तलिफ नस्लें हैं, तकरीबन सारी नस्लें जो है ना हमने रखी हैं, मिक्स हैं। अच्छा जी, ये जो ऑस्ट्रेलियन होती हैं या साहिवाल नस्ल है, फ्रीजियन है, साहिवाल है, इनमें से दोनों में से ठीक कौन सी है, साहिवाल की ठीक है या ऑस्ट्रेलियन? साहिवाल तो खैर कामयाब नहीं है ज़्यादा, ऑस्ट्रेलियन और फ्रीजियन ये कामयाब है। ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा कामयाब है क्योंकि मौसमी हिसाब से कामयाब है या दूध के हिसाब से? दूध के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी तो ये बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, तो बाकी जो ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो इतनी गर्मी ज़्यादा वो भी नहीं बर्दाश्त करती। चले ठीक है मलिक साहब, अगर कोई बंदा आपसे मशवरा लेना चाहे तो फिर वो वीडियो में आपको नंबर आपका बता देंगे, फिर आपको कॉल करके आपसे मशवरा ले सकते हैं। वीडियो में आ जाएगा जी, बंदे ने रब्ता करना हो तो, और दूध के लिए रब्ता कर सकते हैं, मिलना चाहते हैं वो भी आके मिल लें। चलें, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया।